चल नाते से मत, थोड़ी देर तक आते हैं ठीक है? चलाते हैं ठीक है। अच्छा फक, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आखिर तुमने बताया नहीं है बड़ी अम्मी को? जहन से निकल गया। ये क्या हो रहा है भाई, मैं कुछ पूछ रही हूँ। अम्मा वो मैं और एनी जरा सोच रहे थे आज खाना बाहर खा लें, इसलिए जा रहे थे डिनर के लिए। खाना तो भी लगने लगा है और किसी को बताया भी नहीं, खुद ही प्लान बना लिया। घर में किसी को इस काबिल भी नहीं समझा कि बंदा बता ही देता है जाने से पहले। ये क्या तरीका है? कुछ असूल होते हैं ना घर के, को ख्याल ही नहीं है। भाभी जाने देना, बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दें। आप ही तो कहती थी कि जहीर भाई आपको कभी कहीं नहीं लेके जाते। बच्चे अपने अरमान पूरे कर लें। जाओ बच्चों, अल्लाह हाफिज़ बड़ी अम्मी। अल्लाह हाफिज़ मम्मा। मैं उन्हें रोक नहीं रही थी, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही थी, ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हर घर के को असूल होते हैं, कोई तौर तरीके होते हैं। घर के रहने वाले हर शख्स को उनकी पाबंदी करनी होती है, और घर का एक असूल ये भी है कि अगर कोई एक बड़ा बच्चों को समझा रहा हो या उनसे बात कर रहा हो तो दूसरे को बीच में बोलकर उसकी नफी नहीं करनी चाहिए। आइंदा जरा ख्याल रखिएगा। कोई अब्रार साहब आया नीचे? अब्रार साहब वो वकील भी जो है ना? हाँ हाँ हाँ, कहाँ है? लाउंज में नीचे बैठे हैं। मेरे ख्याल से ताज़ियत के साथ साथ जो है वो वकील की हैसियत से भी आए हैं। कुछ फाइल्स वगैरह हैं उनके हाथ में। फाइल? चलो देखते हैं। अच्छा एनी, ये क्या हो रहा है सब? वो दादी का सामान पैक कर रही थी पापा। हाँ वो तो हमें भी नजर आ रहा है, पैक कर रही हो, लेकिन क्यों पैक कर रही हो? पापा ईदी सेंटर में देना ना, अगर जरूरतमंद के काम आ जाएगा ये सामान तो दादी तक सवार पहुंच रहा वहां। अच्छा किसने कहा ये सब करने के लिए, या खुद ही सोच लिया? ओ, नैने और फाखर ने साथ मिलके सोचा था। बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों, खुद ही सोच लिया, खुद ही बात कर ली, किसी से पूछना समझा ही नहीं कोई जरूरी। जहीर भाई और अम्मा के जाने के बाद खुद को बड़ा समझने लगे हो। नहीं पुपो, ये सब करने से पहले किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है पुपो। बस बस, अगर दो घर के बड़े चले गए तो क्या बाकी घर में बड़े नहीं है?
हबीब है, समीना भाभी है, हम हैं, आयशा है, तुम लोग बच्चे हो, बच्चे ही रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। पापा आप बहुत गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये सारा सामान जो दादी के जाने के बाद किसी काम करनी है, अगर जरूरतमंद के काम आ जाए वो इस्तेमाल कर ले तो दादी तक सवाब पहुंचेगा ना। आप नहीं चाहती क्या दादी को सवाब मिले? बहुत लंबी जबान हो गई है। सही कहता है अभी, बिल्कुल सही। यार गलत कह दिया पप्पू मैंने। चुप, सुनो मेरी बात, कोई चीज यहाँ से नहीं जाएगी। दादी का सामान कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये हम फैसला करेंगे। समझ आई तुम्हें? जी। रखो सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसे हो ब्रार? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे? किसी ने कोई चाय वाय पूछी कि नहीं? जी जी बैठो भाभी। ये ब्रार कह रहा है कि घर और कारोबार आपके और फासर के नाम हो गया है। वकील साहब से बात की थी, उसे कह दिया सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दे। और समीना बेटा तुम इसकी सरपरस्त होगी। अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, यह आप जानती थी इस? बैठो इब्रार। हाँ बताओ। अभी अम्मा जी ने जो वसीयत की थी वो मैं आपके और फाखर के हैंड ओवर करने के हैं, बस इन कागजात पे आपके और फाखर के साइन चाहिए। अच्छा बताओ कहाँ कहाँ? अभी ये आपको पता था ये सब पहले से? परेशानी की क्या बात है हबीब, एक हकदार को उसका हक मिल रहा है बस।